Hello guys. रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज आपकी वीडियो रहेगी रेलवे टेक्नीशियन से रिलेटेड क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन का फाइनली रिजल्ट आ चुका है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिन भी स्टूडेंट्स ने रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था और जिनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था और वो उसमें फिट थे तो उनके लिए फाइनली रिजल्ट आ चुका है बस उनकी ओनली ज्वाइनिंग बाकी है इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होना ठीक है तो फर्स्ट पैनल बहुत पहले रेलवे जारी कर चुका था

ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करती हूँ एक नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस के अंदर किस टाइप की बातें की गई है वो हम वो हम देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स देखिए ये मैंने अलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मैंने ओपन किया है तो सबसे पहले जो लेटेस्ट है अपडेट है उसका हम ओपन करेंगे फिफ्टींथ नवंबर को क्या दिया है नोटिस टू व्यू प्रोविजनल पार्ट पैनल टू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन किस पोस्ट की बात की है टेक्नीशियन पोस्ट की कैटेगरी कौन सी है वन एंड वन अंडर एन जीरो तो देखिए ओपन करते हैं इसके अंदर है क्या क्या दिया है इसमें प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की यदि बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन फर्स्ट स्टेज सी बी टी हेल्ड फ्रॉम नाइन्थ अगस्त से इकतीस अगस्त तक एंड ऑन चार नव सितंबर सेकेंड स्टेज हेल्ड फ्रॉम इक्कीस जनवरी से तेईस जनवरी एंड ऑन एट फैव एप्टीटूड टेस्ट कंडक्टेड ऑन दस मे एंड इक्कीस में

प्यरिंग इ प्रोविजनल पार्ट पैनल इज प्रज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लाइबल टू बी कैंसल्ड इन केस ऑफ एनी इनकॉन्सिटेंसी डेफिशंसी ऑफ द अदर फर्नस बाई दिन द ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी माल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट कमिंग टू द नोटिस ऑफ आर आर बी एट एन स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट इस पूरे पैराग्राफ में किस चीज़ की बात की गई है कि अभी जो आपका प्रोविजनल पार्ट जो पैनल है जो जारी किया गया है अगर कैंडिडेट के अंदर कोई भी डेफिशियसी कोई भी कमी पाई जाती है तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा सिम्पली आगे दिया है आपका वाइल एवरी केयर हैज बिन टेकन इन प्रिपेयरिंग दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल आर आर बी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इन एडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक आगे रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर एंड नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ये जो रोल नंबर दिए गए हैं जो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट है ये मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए ठीक है मेरिट के अकॉर्डिंग आपका नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में आ, वैसे ही डाला गया है आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आगे दिया है द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल आर बिंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस ये जो नीचे जो आपके दिए गए हैं जो भी ऑफिस वगैरह है इन सब में इनकी कॉपी भेज दी गई है ठीक है और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर नीचे मेंशन है यहाँ बात की है कैटेगरी वन थ्री फोर की जो एनसीआर में सिलेक्ट हुए हैं तो ये स्टूडेंट्स हैं आपके टोटल कितने हैं टू हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स ओनली टू थर्टी सिक्स है और आपके 136 कैटेगरी की बात की जाए तो एन में कितने हुए हैं आपके 54 ओनली ऐसे ही 134 की एन रीजन नॉर्थ रीजन की बात की जाए तो उसमें हुए हैं 80 स्टूडेंट्स और अगर बात की जाए कैटेगरी 136 में एन की तो नाइन ओनली ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपका नोटिस रहा है इन इन स्टूडेंट्स का फाइनली अगर इनका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई भी डेफ़ेंसी नहीं है तो फाइनली इन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है तो जिनका भी रोल नंबर इस लिस्ट में है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ओके थैंक यू फ्रेंड्स